केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में कल रात से घर से लापता 8 वर्षीय बंसी उफ राम का शव आज एक गड्ढे से बरामद हो गया। बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई थी। इससे पूर्व उसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई है। शिवपुरम मलियाना निवासी किशन का पुत्र बंसी कल रात से ही घर से लापता था। आज सुबह सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हरमन सिटी के एक निर्माण के दौरान बने गड्ढे से उसका शव बरामद कर लिया। हत्या की वजह वे हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। आज इस बारे में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने यह जानकारी दी। 8 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया, बंदे थाने का मामला है, क्या इसमें पूरा प्रकरण है, क्या इसमें अपडेट हो गया? देखिए, आज सुबह थाना टीपी नगर पर सूचना मिली कि हरमन सिटी के पास ग्राउंड में एक बच्चे को मारकर दबा दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर पहुँच कर बच्चे के शव को रिकवर किया गया। बच्चे की पहचान बंशी पुत्र कृष्ण निवासी शिवपुरम मलियाना के। बच्चा कल रात से ही लापता था। अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा, बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई है। बच्चे को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें हमने टीमें फॉर्म कर ली गई हैं। कुछ टीम हमने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है और कुछ टीमें हमें आसपास की पूछताछ कर रही हैं। अभी क्योंकि बच्चे का 8 साल का वर्षीय बच्चा है तो अभी मोटिव हमें ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या मोटिव हो सकता है, जैसे इसमें कुछ सामने आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक सूचना अभी सूचित नहीं किया गया था, जो अभी पता चल रहा है तो सूचित नहीं किया गया था पुलिस को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।